गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो अवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज हेस टेस्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 5. सो द टर्निक्विट टेस्ट इज ऑफ्टन रेफर टू एज द कैपिलरी रेजिस्टेंट टेस्ट, कैपिलरी फर्जिलिटी टेस्ट एंड द रंपल लिड्स टेस्ट और टर्निक्विट टेस्ट. सो वी कैन से द अनदर नेम ऑफ दिस टेस्ट, दैट इज हेस टेस्ट, इज कैपिलरी रेजिस्टेंट, कैपिलरी फर्जिलिटी, रंपल लिड्स और टर्निक्विट टेस्ट. सो वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट? The test consists of inflating a sphygmomanometer cuff placed around the arm and inspecting the surface of the forearm below the elbow and the area above the wrist for petechiae after a standard period of inflation. मतलब हम क्या करते हैं, sphygmomanometer tie करते हैं हम upper arm पे, then हम उसके बाद एक standard period of time जो हमने test के लिए जो हमारा standard period रखा है हमने, उस time के बाद हम petechiae notice करते हैं, जो हमने area select किया है कि कहाँ पर हमने वो पेटिकाई नोट करने हैं. इट मेजर द रेजिस्टेंट ऑफ कैपिलरी वॉल्स अंडर कंडीशन ऑफ इंक्रीज प्रेशर एंड एनोक्सिया. ठीक है, कि ये कैपिलरी की रेजिस्टेंट को चेक करता है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं. सिंस प्लेटलेट एंड विटामिन सी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कैपिलरी इंटीग्रिटी एंड रेजिस्टेंट. सो जो विटामिन सी एंड प्लेटलेट है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू मेंटेन करने के लिए कैपिलरी रेजिस्टेंसी को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इनका मेन फंक्शन होता है. द टर्निक्विट टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन ईदर ऑफ दीज इज डेफिशिएंट, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और स्कर्वी. अगर प्लेटलेट हमारे डेफिशिएंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, एंड स्कर्वी में विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है. सो कैसे करते हैं हम, मेथड इज On the flexor of the forearm, a 2-inch diameter circle is drawn with its center approximately 1.5 inches below the bend of the elbow. So you can see there is जो हमने ये एक area select किया है 2-inch diameter का, एक circle हमने drawn कर दिया है upper arm पे below antecubital fossa. Okay. Second point, a sphygmomanometer cuff is placed on the upper arm and the pressure in the cuff is raised to midway between systolic and diastolic pressure, that is about 80 to 100 mm of mercury in a normal person. तो हमने क्या प्रेशर, जो हमने स्पिग्मोमैनोमीटर का कफ टाई किया है अपर आर्म पे, हमने प्रेशर मेंटेन करना है 80 to 100 mm पे फॉर 5 मिनट्स के लिए. 5 मिनट्स के बाद हमने कफ रिमूव करना है, और उसके बाद आप ये इमेज में देख रखे हो, ऐसे हमने सर्कल में पेचिकाई नोट करने हैं. तो पेचिकाई इज अ स्मॉल रेड डॉट्स, वो हमने काउंट करने हैं. आफ्टर 5 मिनट्स रिमूव द कफ एंड द नंबर ऑफ पेटिकाई विद इन द सर्कल ऑफ द स्किन इज डिटरमाइंड. सो पॉजिटिव टर्निक्विट टेस्ट, यू कैन सी जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था, अगर वहाँ पे मोर देन 20 आपको पेटिकाई नोट होते हैं तो दैट मीन कि हमारा जो टर्निक्विट टेस्ट है या जो हमारा हेस टेस्ट है वो पॉजिटिव है. द टर्निक्विट टेस्ट इज परफॉर्म बाई इन्फ्लेटिंग अ ब्लड प्रेशर कफ टू अ मिड पॉइंट, जो हमने अपना प्रोसीजर बताया है. अगर ये मोर देन 10 होते हैं तो इट मीन्स वो पॉजिटिव होता है हमारा टेस्ट. द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और नॉर्मल वैल्यू इज नॉर्मल वैल्यू अप टू 10 पेचिकाई इन 2-inch डायमीटर, ये नॉर्मल होता है अप टू 10 अगर आपको मिलते हैं. डाउटफुल होगा अगर 10 to 20 पेचिकाई आपको नोट डाउन होते हैं, और सिग्निफिकेंट है अगर आपको मोर देन 20 पेचिकाई अगर आपको मिलते हैं वहाँ पे काउंट होते हैं, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है. सो दैट इज़ अवर हेस टेस्ट. थैंक यू.